हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे इस 30x31 फिट हाउस डिजाइन के बारे में। हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये फ्रेंड्स एक बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है, 30x31 फिट का है। इसका यदि फ्रंट की बात करें तो फ्रंट साइड में ही इसका ये रोड है, जो हमारा रोड है वो केवल फ्रंट साइड में है। बाकी इसका जो लेफ्ट साइड, बैक साइड और राइट साइड, ये तीनों साइड पूरी तरीके से बंद हैं, पूरी तरीके से क्लोज हैं। तो केवल फ्रंट साइड में ही इसका ये मेन रोड है। और इसमें हमारा ये जो डिजाइन है, इसमें हमारे पास 4 रूम हैं, गाड़ी की पार्किंग है, तो 4 रूम के साथ और कार की पार्किंग के साथ हमने इसको तैयार किया हुआ है। और ये फ्रेंड्स यदि इस डिजाइन के एलिवेशन की बात करें तो आप देखेंगे कि बहुत ही प्यारा हमारा एलिवेशन है, बहुत ही अच्छा हमने इसको ये डिजाइन दिया हुआ है। आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से ये हमारे पास अपना ये डिजाइन है। इसमें हमने टाइल की फिनिशिंग दी हुई है, ये हमारे पास टाइल की फिनिशिंग है, यहाँ पर भी हमने ये टाइल की फिनिशिंग दी हुई है। बाकी हमारे पास ये पूरा ही पेंट फिनिश में हमने इसको तैयार किया हुआ है। तो ये हमारे पास अपना एलिवेशन डिजाइन है। हम आपको फ्रेंड्स लेके चलते हैं इस डिजाइन के 3D प्लान की तरफ। ये फ्रेंड्स हमारे घर का अंदर का 3D प्लान है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये हमारे घर का मेन गेट है। मेन गेट से जब इसमें आगे बढ़ेंगे तो हमें यहाँ पर मिलने वाला है अपना पोर्च का डिजाइन, मीन्स कि स्टेयरकेस का डिजाइन। ये हमारे पास अपना स्टेयरकेस रहेगा और स्टेयरकेस के जस्ट नीचे ही हमारे पास यहाँ पे गाड़ी की पार्किंग का ये स्पेस रहने वाला है। यहाँ पर हमारे पास एक कार की पार्किंग का स्पेस रहेगा। ये फ्रेंड्स हमारे पास रहने वाला है बेडरूम का डिजाइन। यहाँ पर हमारे पास एक बेडरूम रहेगा, जो कि हमारे पास कार की पार्किंग के फ्रंट में ही हमें यहाँ पर बेडरूम मिलेगा। बेडरूम के अंदर हमें यहाँ पर एक विंडो मिलेगा, तो इस विंडो से ही हमारे इस बेडरूम का भी अच्छे तरीके से वेंटिलेशन होता रहेगा। ये हमारे पास अपना बेडरूम है। यहाँ पर फ्रेंड्स हमें मिलने वाला है अपना ये डाइनिंग लॉबी का डिजाइन। ये हमारे पास अपना डाइनिंग एरिया रहेगा। फ्रंट में हमें यहाँ पर मिलने वाला है अपना गेस्ट रूम का डिजाइन। ये हमारे पास अपना गेस्ट रूम रहेगा और गेस्ट रूम में हमने फ्रंट से भी एक डोर रखा हुआ है। ये हमारा डोर रहेगा जो कि हमारे पास गेस्ट रूम होगा और इस डोर के थ्रू ही हम अपने गेस्ट रूम में आएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये गेस्ट रूम का डिजाइन है। ये फ्रेंड्स हमें मिलने वाला है यहाँ पर अपना एक स्टडी रूम टाइप से। ये हमारे पास अपना एक स्टडी रूम रहेगा, या फिर आप इसे बोल सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर रूम टाइप से इसको बोल सकते हैं, या फिर आपको जैसे भी यूज करना है। ये हमारे पास कंपेरेटिवली एक छोटा रूम है। और यहाँ पर फ्रेंड्स हमें मिलने वाला है अपना किचन का डिजाइन, जो कि हमारा ये ओपन हमारा किचन रहने वाला है। ये हमारा किचन रहेगा। यहाँ पर हमें एक और बेडरूम मिलेगा। ये हमारे पास मिलने वाला है एक और बेडरूम, मीन्स कि हमारे पास अपना 2nd नंबर का बेडरूम है। और रूम्स की बात करें तो 4th नंबर का हमारा ये रूम है। तो 4th नंबर का हमें यहाँ पर ये रूम मिलने वाला है। और ये मिलने वाले हैं हमें यहाँ पर टॉयलेट का डिजाइन और बाथरूम का डिजाइन। ये हमारा टॉयलेट है, ये हमारे पास अपना बाथरूम है। ये फ्रेंड्स हमारे पास अपनी लॉबी है। और इस ये जो हमारी लॉबी है, जो हमारा हॉल का एरिया है, इसमें हमें यहाँ पर एक छोटा सा जाल मिल जाएगा। जो हमारी छत होगी, छत में हमारे पास में एक जाल रहेगा, जिससे हमारे इस बेडरूम का, ये हमारा टॉयलेट है, ये हमारा बाथरूम है, इनका वेंटिलेशन हमारा इसी यहाँ पर ये जाल रहने वाला है, उसी जाल के थ्रू होता रहेगा। तो कुछ इस तरीके से ये हमारे पास अपना 3D में प्लान है अपने ग्राउंड फ्लोर का। और ये हमारे पास अपना एलिवेशन डिजाइन है। एलिवेशन डिजाइन में आप देखेंगे कि हमारे पास इसका जो टॉप है, जो छत है, छत में कुछ इस तरीके से जल रहने वाला है। और इसी के नीचे हमारे पास अपना टॉयलेट, बाथरूम और हमारे पास जो बेडरूम है, इन तीनों का वेंटिलेशन हमारा उसी जाल के थ्रू होता रहेगा। तो कुछ इस तरीके से ये हमारे पास अपने 3D में प्लान है, जिसमें हमारे पास 4 रूम है, गाड़ी की पार्किंग है और काफ़ी शानदार सा हमारा ये एलिवेशन है। बहुत ही अच्छा और लो बजट का ये हमारा डिजाइन है। और यदि फ्रेंड्स इस डिजाइन के कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करें तो इस घर को बनवाने के लिए इसका जो कंप्लीट जो कॉस्ट होने वाला है, विद फिनिशिंग कंप्लीट, जो मिनिमम इसका जो खर्चा आएगा वो 15 लाख के आसपास आने वाला है। 15 लाख रुपये आपको चाहिए इस घर को तैयार कराने के लिए, जो कि इसका एक मिनिमम कॉस्ट होगा। और विद फिनिशिंग इसका ये कॉस्ट है, तो 15 लाख रुपये में आप इस घर को तैयार करा सकते हैं। तो यही फ्रेंड्स हमारा आज का डिजाइन है। डिजाइन आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स फिलहाल की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्लान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।